और आज हमारा जो ट्रैक जो यात्रा होने वाली है वो होने वाली है भाई चमोली से सीधे बद्रीनाथ। तो छोटा भाई इतना बदमाश हो, सॉरी मतलब इतना वो तो लगता है यार थोड़ा बुरा। आजा। अभी दोस्तों आपने जोशीमठ के ड्रोन शॉट तो देख ही लिए होंगे, कमेंट में जरूर बताना जोशीमठ कैसा लगे। दोस्तों जब कभी भी जोशीमठ आओगे तो भगवान नरसिंह के दर्शन जरूर करना। तो केशव में आपको योगधान बद्री के दर्शन भी करवा देते हैं, देख लो भाई। तो पानी नीचे है, बर्फ पर सामने हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों हमारा सफर हुआ समाप्त और हम पहुंच चुके हैं भाई बद्रीनाथ धाम में। और जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश वार और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से डिस्ट्रिक्ट चमोली डिस्ट्रिक्ट से। चलिए जी आपसे कितनी कुछ बात तो करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है भाई चमोली से। बाकी आपने कल की वीडियो में देखा होगा चमोली हम कल आ गए थे और आज हमारा जो ट्रैक जो यात्रा होने वाली है वो होने वाली है भाई चमोली से सीधे बद्रीनाथ। तो और बाकी भाई हमने अपना रूम तो सुबह ही छोड़ दिया था, बाकी अभी हम रुके हैं एक होटल पे, हम वहाँ नाश्ता करेंगे क्योंकि सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी होता है। भाई मैं थोड़ा गायब हो गया, पहाड़ी भाई मुझे ढूंढने आ गया, कहाँ गया भाई? भाई फिकर हो गया। अरे भाई भाई गले 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 लग, छोटा भाई इतना बदमाश, सॉरी मतलब इतना वो तो लगता है यार थोड़ा बुरा। आजा आजा, सही बात है, इधर बैठ रहे हमारे। ओ पहाड़ी भाई भाई बढ़िया ना। चलिए अभी हम नाश्ता करेंगे। क्या ऑर्डर किया आप लोगों ने? ऑर्डर किया क्या? ऑर्डर किया आपने चिली पोटैटो? अभी दोस्तों भूत भूख भयंकर वाली लग गई, बस अब पराठा आया सिर्फ पहाड़ी भाई का। थोड़ा छींटे इधर भी मार लो। अंकित भाई का नाश्ता भी आ गया है, मतलब दोनों बुड्ढों का नाश्ता आ गया, सिर्फ मेरा नहीं आया। जवान आदमी वही तो, मेरा पराठा भी आ गया है तो भयंकर वाली भूख लग रही है, इनको देख के ज्यादा ही लग रही। तो जो हमने पराठे खाए वो भैया लोगों की शॉप पे खाए। भैया शॉप का नाम अक्षित कैफे, अक्षित कैफे, और काफी बढ़िया हो रहे थे। तो बढ़िया करके हमारा नाश्ता भी हो गया है, बाकी अब हमारी तैयारी है सीधे बद्रीनाथ निकलने की। अभी रास्ता काफी लंबा है, क्यों भाई? बहुत लंबा है भाई, देख ले कितना लंबा है। वही तो, यानी कि अभी हमें 90 किलोमीटर और चलना होगा। चलते पहुंच चुका हूं मैं एक प्यारी सी लोकेशन पे। बाकी पहाड़ी भाई और अंकित भाई तो पीछे आ रहे हैं, थोड़ी देर तक यहां पे रुक जाता हूं, उनका इंतजार करता हूं। तो मैं रुकूंगा यहां पे क्योंकि यहां पे छाया है और गर्मी तो इतनी हो रही क्या बताऊं। भाई पहाड़ी भाई भी आ पहुंच गए हैं, इधर अंकित भाई भी पहुंच गए हैं, काफी लेट कर रहे हैं भाई। क्या हुआ, क्या हुआ भाई? हा? क्या हुआ क्या भाई? हां कई बार बच रहे हैं। अच्छा चलो बढ़िया है, सफर काफी लंबा है तो चलते हैं जल्दी जल्दी। चले भाई, चलो जल्दी जल्दी। अभी दोस्तों चलते चलते हम तीनों भाई पहुंच चुके हैं जोशीमठ। जोशीमठ के ड्रोन शॉट दिखा देते हैं। एक टाइम ऐसा भी था कि जब जोशीमठ खतरे में आ गया था, पर अब बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों आपने जोशीमठ के ड्रोन शॉट तो देख ही लिए होंगे, कमेंट में जरूर बताना जोशीमठ कैसा लगा। तो हमारी तैयारी हो गई है बद्रीनाथ जाने की, अभी भी बहुत दूर है भाई, क्यों चलते हैं धीरे धीरे अपने सफर की ओर। ब्रेक बहुत कम लग रहे थे तो मैंने मैकेनिक के पास चेक करवाया, भाई ने बोला कि डिस्क पैड खत्म है, हम उस पर नए डिस्क पैड डलवाएंगे। चलो तो बाइक का काम तो हो गया है, अब निकलता हूँ मैं यहाँ से सीधे आगे को। कभी भी जोशीमठ आओगे अभी दोस्तों चलते चलते हम एक बड़े से ब्रिज के पास वाले होटल में रुके हैं। बाकी सामने है पहाड़ी भाई और अंकित भाई। इसके नीचे जो पावन नदी बह रही है वो है अलकनंदा, और अलकनंदा का पानी इस समय एकदम मटमैला है, इसका मतलब यह है कि ऊपर बद्रीनाथ में बारिश हो रही होगी। खतरनाक वाला जाम लगा है, लगता है सामने गाड़ियां फंस गई है भाई, पुलिस वाले जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलते चलते मैं
मैं पहुंच चुका हूं पांडुकेश्वर में। पांडुकेश्वर में आपको योगधान बद्री के दर्शन भी करवा देते हैं, देख लो भाई। सामने मुझे एक और मंदिर दिख रहा है, मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये है कुबेर महाराज का मंदिर। जय श्री कुबेर। पहाड़ी भाई अंकित भाई तो अभी काफी पीछे हैं, तो मुझे उनका फिर से इंतजार करना होगा तब तक। और मौसम की बात करें, मौसम भी खराब हो सकता है। और चट्टाने देख लो भाई कितनी खतरनाक है, ऊपर पर्वत देख सकते हैं आप। जोशीमठ को क्रॉस करके आगे निकलते हैं तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाई देता है, जैसे झरने हो गया, पहाड़ हो गया, नदियां हो गई, काफी सारे मंदिर, काफी सारी चीजें हैं जो देखने लायक है। बहुत गजब का नजारा है, क्या बताएं। देख रहे होंगे अब ये अखरोट का पेड़, हल्के हल्के अखरोट हो गए इस पे, ये देख लो अखरोट भी हो गए। ये दोस्तों अखरोट, पहाड़ी अखरोट। ये आप पहुंच रहे, ओहो चलते। हमारा रास्ता इस क्रेन ने रोक दिया है, बाकी देख लो यही यहाँ फंस गई है, ना नीचे आ पा रही ना ऊपर जा पा रही, और इस वजह से सामने देख लो सारी गाड़ी को उधर ही रुका रखी है भाई पुलिस वालों की, मतलब बहुत लंबा जाम लग गया है। दोस्तों यात्रा पे चलते चलते हमें हमारे भाई लोग मिले हैं, भाई हैं यूपी अलीगढ़ से, विशाल बद्री विशाल। ये लोगों ने जैकेट पहन लिया, ठंडा हो रहा, बहुत ठंडा हो रहा है। अरे बुढ़िया मेरे को ठंडा हो रहा, तुम जवानो तू बनियान में चल, तू बनियान में चल ले, मैं बना दूं तेरी वीडियो चल। तो ठंडा सच में हो रहा है, मैं भी जैकेट पहन लेता हूँ भाई। अभी भाई लोगों ने जैकेटें पहन ली है, बाकी निकलते हैं यहाँ से, अभी भी 20-25 किलोमीटर और चलना है हमें। चलते हैं, निकलते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि मौसम खराब हो सकता है भाई। बद्रीनाथ के रास्तों का जो आनंद है ना, तो वो भाई क्या ही बोला मैं, कितना मनमोहक व्यू है, इतना सन्नाटा क्यों है, ओहो क्या व्यू है, क्या नजारा है यार, देख लो ऊपर है दोस्तों पानी, नीचे है बर्फ, पर सामने हूँ मैं, क्या मजा आ रहा भाई। तो चलिए दोस्तों हमारा सफर हुआ समाप्त, और हम पहुंच चुके हैं भाई बद्रीनाथ धाम में, और काफी अच्छा लग रहा है, सफर भी एकदम मस्त रहा, कोई भी दिक्कत नहीं आई रास्ते में। बढ़िया, कैसा लग रहा भाई, कैसा रहा सफर, टनसा। चलिए दोस्तों अब मंदिर की ओर चलते हैं, दर्शन तो आज मुश्किल होंगे, देखते हैं क्या होता है। यात्रियों की भीड़ देख सकते हैं आप कितनी भयंकर है। कहते हैं ना कि जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है, जहां वो चाहे वहां बुला लेता है, तो काफी अच्छा लग रहा है। बाकी देख लो भाई भीड़ कितनी भयंकर हो रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लाइन काफी लंबी है, यहां घुसना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, क्या करें। तो भीड़ बहुत भयंकर वाली है, ऐसे में मुझे तो नहीं लग रहा हमारे दर्शन हो पाएंगे या हम लाइन पे लग पाएंगे, इतनी भयंकर भीड़ में दर्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। भीड़ इतनी है कि खड़े होने की जगह ही नहीं है कहीं, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा या सुबह ही लगना पड़ेगा लाइन में, तब जाके दर्शन होंगे। तो देखते हैं क्या क्या होता है, आज दूरी से दर्शन करने पड़ेंगे। तो जय बद्री विशाल, अपनी कृपा बनाए रखना सभी पर, कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखना भाई। और दोस्तों यहाँ भी केदारनाथ की तरह जो लोग चल नहीं पाते हैं उनके लिए पल्ली की स्पेशल व्यवस्था है। अभी दोस्तों हमारे दर्शन तो हुए नहीं, बाकी भूख लगी है भयंकर वाली। हम मैंने मंगाई है भाई कचौड़ी, और ये चाय
और पहाड़ी भाई है समोसा और चाय वाले, इधर भाई भी सेम है मेरी तरह। तो चलिए खाते हैं क्योंकि भूख लग गई खतरनाक वाली। अभी चाय और कचौड़ी खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाए। तो हम ले रहे हैं भाई गर्मा गर्म जलेबी। अभी दोस्तों बढ़िया करके चाय जलेबी कचौड़ी भी खा दी है। बाकी अभी हम निकले हैं थोड़ा इधर थोड़ा घूमने। तो ये रोड जा रही है, ये जा रही है भाई माणा गांव की। माणा गांव यानी कि भारत का प्रथम गांव माणा गांव। माणा है यहां से 4 किलोमीटर। वहां तो हम आज नहीं जा पाएंगे, वहां जाएंगे हम कल क्योंकि आज बहुत थक गए हैं। बाकी दोस्तों जो माणा गांव है वो इस पहाड़ी के पीछे है और इन बर्फ़ से ढके पहाड़ों को तो क्या ही बोलना। देख लो भाई कितने प्यारे हैं। देख रहे हैं आप वो भी डेकोरेट हो रहा है। डेकोरेट कुछ इस प्रकार से हो रहा है। ये है भाई मैप, इस ढंग से बनाया जाएगा। बोलिया जो फ्रंट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देख लो काम चल रहा है, वो चल रहा है फ्रंट का। हमने देख लो कितना बढ़िया वाला झरना बह रहा है। यात्रियों की लाइन देख सकते हैं आप कहाँ तक है। लाइन इतनी बड़ी है कि वहाँ हमारी नज़र भी नहीं जा रही। हमारा घूमना भी हो गया है, बाकी अब आपको ले चलते हैं अपने रूम की ओर। यहाँ आपको गर्म कपड़े, दस्ताने, टोपी, जूते सब कुछ मिल जाएंगे। जो हमारा रूम है वो यहाँ है भाई श्री रघुनाथ आश्रम में। जो हमारा रूम है वो कुछ इस प्रकार से है। बाकी हमने अपना सारा सामान रख दिया है और बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ी भाई का। देखो बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई का। पैसा है। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब पहले जेपी भाई का सही बात। आश्रम केदारनाथ यात्रा में थे बिल्कुल ठीक है। और बाकी उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का जो हमारे उधर साइड के फोर्ड गाँव के मतलब इन्हीं की बदौलत हुआ है सब चीज। बिल्कुल। कैसा लगा भाई रूम? मजेदार है भाई। बढ़िया है ना? बढ़िया। दोस्तों बढ़िया करके भेजी ने रूम की व्यवस्था भी कर ली है। बाकी हमारी यात्रा भी काफ़ी बढ़िया रही, काफ़ी मज़ा आया यात्रा पे और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई हमें रास्ते में। भगवान नारायण की कृपा से सकुशल पहुँचे हम उसके धाम पर भाई। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी प्रकार से मैं आपको नई नई वीडियो देता रहूँगा क्योंकि कल हमको बद्रीनाथ जी के दर्शन करने हैं, फिर उसके बाद माणा गांव जाना है, उसके बाद वसुधारा जाना है, फिर व्यास पोती जाना है। काफ़ी सारी जगह है जो हमें कवर करनी है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय श्री राम, जय बद्री विशाल।